पशुपालन विभाग की खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी। पशुपालन के जिम्मेदार अधिकारियों का स्पष्टीकरण कालकर प्रमुख सचिव को कार्यवाही के लिए पत्र लिखवाने के CDO को दिया निर्देश। बैठक की सूचना दिए जाने के बावजूद अनुपस्थिति रहे अधिशासी अधिकारियों का स्पष्टीकरण के साथ वेतन रोकने के दिया निर्देश। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा के जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गौ आश्रय स्थलों में स्थापन प्रबंधन संचालन और लू से बचाव के लिए प्रबंधन सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में सभी उप जिलाधिकारियों खंड विकास अधिकारियों व पालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में प्रतिभाग किए जाने के लिए सूचित किए जाने के बावजूद जोया और अमरोहा के अधिशासी अधिकारी को छोड़कर बाकी सभी अधिशासी अधिकारी के अनुपस्थिति होने के कारण स्पष्टीकरण काल किए जाने और संतोषजनक जवाब न मिलने पर वेतन रोकने के निर्देश दिया है। समीक्षा में पशुपालन विभाग के अधिकारियों की शिथिलता व लापरवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण कॉल करने और सुधार न होने पर प्रमुख सचिव को कार्यवाही के लिए पत्र लिखवाने के निर्देश मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को दिया। उन्होंने सभी उप जिला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हर सप्ताह पशुपालन विभाग और खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक किया जाए और गौ संरक्षण से संबंधित जो भी कार्य चल रहे हैं उन्हें पूर्ण किया जाए। कहा कि प्रत्येक गौशाला में गायों के हरे चारे की व्यवस्था के लिए नेपियर घास अधिक से अधिक बुवाई जाए। जो भी क्षेत्र में खाली बड़ी जमीन है चारागाह खलिहान उसका चिन्हांकन किया जाए और हरा चारा नेपियर घास की बुवाई प्राथमिकता के साथ कराया जाए। सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक गौशाला में पर्याप्त भूमि हरे चारे के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। लूसे से बचाव के लिए भी प्रत्येक गौशाला के लिए आवश्यक व्यवस्था कर लिया जाए। गौ संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। सुबह शाम गायों को नहलाने की भी कार्रवाई किया जाए। गौ संरक्षण केंद्र गुरेठा में लगातार लापरवाही पशुपालन विभाग के अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों द्वारा किए जाने पशुओं का स्वास्थ्य में सुधार न हो पाने बीमार पशुओं का इलाज न कराए जाने पशुओं को पानी और हरा चारा न मिल पाने पर जिम्मेदार गौशाला गौ सचिव को कड़ी फटकार लगाते 15 दिन में स्थिति सही न होने पर प्रबंधन समाप्त किए जाने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए। साथ ही कार्य संतोषजनक न होने तक धनराशि के भुगतान पर रोक लगाए जाने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए। गायों के भरण पोषण के लिए अधिक से अधिक भूसा एकत्र करने की कार्यवाही सभी खंड विकास अधिकारी कर लें। बैठक के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी कुमार मिश्र, उप जिलाधिकारी धनुरा हसनपुर नौगांव अमरोहा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी खंड विकास अधिकारी पशुपालन विभाग के अधिकारी और डॉक्टर मौजूद रहे।